अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश कार्यालय बुद्धि विहार में हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा ने कहा कि पद्मावती फिल्म को लेकर क्षत्रिय महासभा ने जो बयान दिया है, जो भी फिल्म देखने जाएगा अपना बीमा करा ले, वरना किसी भी घटना के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। इस पर ब्राह्मण महासभा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ठाकुर समुदाय आपे से बाहर हो गया है। दीपिका पादुकोण की नाक काटने की बात कही गई थी। एक तरफ तो भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कहती है, उधर इन सब बातों पर योगी चुप्पी साधे हुए हैं। ब्राह्मण सभा पहले भी इन बातों का सामना कर चुकी है। इस बैठक में हिमांशु शर्मा, सचिन शर्मा, नीरज मित्तल आदि कई लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज की प्रेस वार्ता है, आज मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने पेपर में पढ़ा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने मीटिंग की। अगर पद्मावती फिल्म पे विरोध कर रहे हैं वो करें, कोई दिक्कत हमें नहीं है, लेकिन जिस तरह का बयान आया, पीछे बयान ये आया कि दीपिका पादुकोण की नाक काट देंगे। एक महिला है, वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलन चल रहे हैं और अभियान चल रहे हैं सरकार के, और उधर एक बेटी की ही नाक काटने की बात हो रही जो कि निंदनीय है। दूसरा, आज जो दर्शकों की जो पिक्चर देखने जाएगा उनका उन्हें बीमा करा के जाना चाहिए, नहीं तो उनके साथ घटना घट जाएगी। तो मैं समझता हूँ मरवाह शहर के दर्शक ऐसे नहीं हैं। मरवाह हमारा बहुत ऐतिहासिक शहर है और यहाँ बड़े दिल के साथ लोग बाग मनोरंजन करते हैं, आराम से जाते हैं, मिल बैठ के बात करते हैं, फिल्म देखते हैं। ऐसे में दर्शकों को धमकी देना बिल्कुल गलत है, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। और हम ये कह सकते हैं कि अगर इस तरह की धमकी दी गई उससे खौफ पैदा हो रहा समाज में, और हम दर्शकों को, क्योंकि सरकार तो चुप है, जब से आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं हमारे प्रदेश के, तब से एक विशेष समुदाय, विशेष रूप से क्षत्रिय महासभा इतनी एक्टिव हो गई है कि वो अनर्गल बयानबाजी कर रही है। इसी बयानबाजी के दौर में उन्होंने दर्शकों को भी धमकी दे दी कि आप बीमा करा के पिक्चर हॉल में जाइए, ये कहाँ का तरीका मैं पूछना चाहता हूँ। डीएम साहब भी जो बैठे हैं इस बात पे, क्योंकि वो भी ठाकुर हैं, बाकी तो रहे ही नहीं, इसका मतलब चलना पिक्चर देखना और घूमना फिरना बंद कर दे शहर में, हमारा शहरवासी, ये बिल्कुल गलत है। और हम सारे दर्शकों से कहना चाहते हैं, ब्राह्मण समाज हमेशा से अग्रणी रहा है, सबको अच्छी राय दी है उसने, तो हम उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, और अगर कोई उनके साथ घटना घटाएगा तो हम उन्हें बिल्कुल उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे।